Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार तो ये जो विषय है जिसमें हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है परिसीमा विधि परिसीमा विधिटीन 1963 थ्री लिमिटेशन एक 1963. ये है जिसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये जो पूरा विषय है इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो अभी तक जितने लेक्चर को हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करा था अब जो लास्ट लेक्चर है बीसवा लेक्चर इसमें हम लोग परिसीमा विधि पे आते हैं और परिसीमा विधि की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे तो इसके पहले कि परिसीमा विधि पे मैं एक्चुअली आऊँ मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बारह साल का है तेरह साल का लगभग और मैं जो है न्यायिक अधिकारी भी था आसाम में न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे अब आप जो विषय इस पे आते हैं परिसीमा विधि उन्नीस इसकी बात करते हैं लिमिटेशन एक नाइनटीन सिक्सटी तो लिमिटेशन एक्ट पे हम लोग व्याख्या करने जाने हैं। बेसिकली विधि है क्या मैं आपको बताऊं लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा विधि है जो ये बताता है कि कोई भी सूट है कोई भी अपील है कोई भी अप्लीकेशन है यह विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कोर्ट में आना चाहिए बहुत ज़्यादा डिले करके नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले में कई प्रॉब्लम आ जाती हैं क्योंकि भारत में जहाँ पे हम एडवर्सरियल लिटिगेशन एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ़ जस्टिस को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस का मेन कॉन्सेप्ट और मेन उसका कॉम्पोनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें न्याय जो है एविडेंस पे आधारित होती, होती है तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे और विटनेसेस की मेमोरी लॉस हो जाएगी तो इसलिए आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में आए ताकि कोर्ट को भी कन्वीनियंट हो आपकी भी मेमोरी रिफ्रेश हो और अकॉर्डिंगली आप आकर के न्याय लें तो बहुत डिले नहीं करना है डिलेड अमाउंट्स टू डिनाइल जस्टिस डिलेड अमाउंट्स टू जस्टिस डिनाइल ये बड़ा ही मतलब एक सेइंग है जनरल सेइंग है कि न्याय में देरी करना इसका मतलब न्याय को खत्म करने के बराबर है तो इसलिए परिसीमा विधि इस चीज का ध्यान रखता है कि आप जल्दी आए और जल्दी आकर के अपने मामले को निस्तारित करें तो परिसीमा विधि कुल मिलाकर इसी की बात करती है तो अब इस देखिए इसमें हम लोग अगली स्लाइड पे आइए ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग इसके प्रस्तावना, इतिहास और की बात करेंगे। थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा इसके पे जाएंगे, तो हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी अगर आप हिंदू जुरूस्टूडेंट्स में देखेंगे हिंदू जुरू में तो आपको ये दिखेगा कि हिंदू जुरूस्टूडेंट्स में लिमिटेशन एक्ट नाइम की कोई चीज नहीं थी हिंदू जुरूस्टूडेंट्स बहुत ही ओल्डेस्ट जुरूस्टूडेंट्स है पूरे वर्ल्ड में आप स्मृति राइटर्स को देखें नारद स्मृति है बृहस्पति स्मृति है मनु स्मृति है हमारे पास हमारे पास विष्णु स्मृति है तो बहुत स्मृति राइटर्स हमारे पास थे अगर ओरिजिन आप हिंदू लॉ की आप बात करेंगे तो हमारे पास श्रुति थी स्मृतियां थी श्रुति में वेद थे सारे वेद हैं दे आर द श्रुति स्मृति क्या है स्मृतियां जो याद करके लिखी गई तो बहुत स्मृतिकार हमारे पास हैं स्मृति राइटर्स बहुत हैं जैसे आप विज्ञानश्वर की बात करेंगे जैसे आप बृहस्पति की बात करेंगे जैसे आप नारद की बात करेंगे या, या के की बात करेंगे मनु की बात करें बहुत स्मृति मनु स्मृति को अगर आप देखें तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप अक्सर देख सकते हैं मनु स्मृति के श्लोकाज को कोट करती है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो ये लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो लेट डाउन किए गए थे तो हिंदी जुर्सूडेंट्स में जब आप देखेंगे तो इसमें आपको लिमिटेशन लॉक कमी देखने को मिलता है यहां पे केवल एक चीज था जो प्रिस्क्रिप्शन की बात करता था

और किंगशिप भारत की ऐसी थी जो बड़े आइडियल किंग्स यहां पे बैठते थे अगर आप किंगडम की हिस्ट्री को देखेंगे भारत में तो आपको इतने आइडियल किंगडम दिखेंगे कि विश्व में शायद कोई ही ऐसा देश होगा जहां पे इतने आदर्श राजा रहे हो और इतना आदर्श राजतंत्र रहा हो क्योंकि भारत में अगर सबसे पुराना राजतंत्र की अगर आप बात करेंगे किंगशिप की बात करेंगे तो राम राज्य ये सबसे पुराना किंगशिप है भारत में और राम राज्य की परिसंकल्पना को आप देखेंगे तो राम राज्य वन ऑफ द गोल्डन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड था वन ऑफ द गोल्डन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड विश्व में उतना स्वर्णिम प्रशासन किसी भी देश में नहीं रहा है जितना राम राज्य में था इसलिए राम राज्य की परिसंकल्पना हमारे संविधान में भी आपको दिखेगी जो गांधी के समाजवाद से मेल खाती है तो ये तो अलग डिस्कशन हो जाएगा लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हिंदू जुर्म स्टूडेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो लिमिटेशन इसलिए नहीं था क्योंकि राजतंत्र था किंगशिप था और किंग जो है हमेशा न्याय देने के लिए तत्पर रहता था आप देखेंगे राम जी ने चौदह साल वन में चले गए क्यों प्रजा के सुख के लिए तो प्रजा के वेल बीइंग के लिए किंग ने पूरा अपना किंगडम लेफ्ट आउट कर दिया ताज सिर पर का उतार करके जंगल में चला जाता है जहां पे इतना आइडियल किंग होगा वहां पे जस्टिस तो हो ही जाएगी ना तो वहां पे लिमिटेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि राजा ही इतना आनेस्ट था और एक नहीं इस तरीके से आपको हजारों किंगडम दिखेंगे भारत में जहां पे ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे राजा हरिश्चंद की बात करेंगे राजा शिवी की बात करेंगे या राजा मंदाता की बात करेंगे मान एक दो नहीं और मेडुअल पीरियड में भी आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि उस

ये 1859 में लिमिटेशन इनेक्ट किया गया जिसको ऑपरेशन में लाया गया अठारह में लेकिन इसमें कुछ कमियां थी तो इसको रिवाइज कर दिया गया फिर 1871 में और अट्ठारह के बाद रिवाइज करने के बाद इसको रिपील कर दिया गया और रिपील करने के बाद अट्ठारह में एक नया लिमिटेशन लॉ बनाया गया और इस नए लिमिटेशन लॉ को फिर रिप्लेस कर दिया गया 1908 1908 के के लिमिटेशन से और 1908 के बाद इसमें बहुत ज्यादा अल्ट्रेशन देखने को मिला और जब देश आजाद हुआ तब भी हम 1908 के लिमिटेशन को फॉलो करते थे जिसमें आज CPC को आज भी हम 1908 वाले को ही फॉलो करते हैं लिमिटेशन को भी फॉलो करते थे लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्नीस में इंडियन लिमिटेशन एक्ट बन गया तो ये उन्नीस में का कानून है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उन्नीस फिर आठ में जाएंगे इकहत्तर में जाएंगे बासठ में जाएंगे फिफ्टी में, में जाएंगे और अठारह के रॉयल ट्रायल चार्टर में जाएंगे और इसके पहले भी जाएंगे आप तो पंद्रह का जेम्स इंस्टीच्यूट आपको मिलेगा और इसके भी पहले आप जाएंगे तो आपको हिंदू पे नजर डालनी पड़ेगी

लॉ इंडोलेंट को नहीं हेल्प करता जो आलसी है लॉ उसको नहीं हेल्प करता लॉ विजिलेंट जो होता है अपने अधिकार के मामले में सतर्क होता है उसको हेल्प करता है तो लिमिटेशन ये है कि आप सतर्क हैं कि नहीं है आपका राइट आज प्रभावित हुआ कल परसों नरसों आप जल्दी से कोर्ट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे अगर आप पहुंचे हैं इसका मतलब आप अपने राइट के प्रति जागृत हैं आप अपने राइट के प्रति जागरूक हैं लेकिन अगर आप देर करके पहुंचते हैं इसका मतलब आप खुद नहीं इंटरेस्टेड हैं अपने राइट के लिए तो जब आप ही नहीं इंटरेस्टेड हैं तो राज्य के इंटरेस्टेड होगा राज्य भी नहीं इंटरेस्टेड होगा तो क्वेश्चन ये है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं कि नहीं है तो लिमिटेशन एक तरीके से यही बात बताता है टाइम बता दिया इतने दिन में आपको न्यायालय में आना है इतने दिन में न्यायालय में आना है तो उतने दिन में आपको आना पड़ेगा और नहीं आए इसका मतलब यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर राइट यू आर नॉट वेरी मच विजिलेंट अबाउट अब अबाउट योर राइट तो लिमिटेशन कहता है जब आप विजिलेंट ही नहीं तो अपने घर जाइए फिर क्या करेंगे आप इसको रख करके तो ये बात है इसमें तो ये एक इसका पहला उद्देश्य है वाई लिमिटेशन लॉ क्योंकि ये देखता है कि आप विजिलेंट है कि नहीं है और जब विजिलेंट नहीं है तो न्याय इसका मतलब आपको नहीं चाहिए दूसरा चूंकि एडवर्सरी लिटिगेशन हम फॉलो करते हैं जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस तो अगर बहुत देर करके आप जाएंगे तो एविडेंसेस टेम्पर्ड हो जाएंगे खराब हो जाएंगे इरेज हो जाएंगे वेस्ट हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे तो इसलिए आपको समय से आना पड़ेगा ताकि एविडेंसेस तरोताजा रहे कोर्ट उसको देख करके मेरिट पे मामले को निस्तारित कर दे और दूसरा विटनेसेस 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 जो विटनेस देखा है क्योंकि I, आप ला जर्मी है क्योंकि आर आई बेंथम कहता तो बिना के कैसे निस्तारित होगा लिटिगेशन में विटनेसेस की मेमोरी की भी एक लिमिट है जो विटनेस था उसकी मेमोरी दस साल में लॉस हो गई बीस साल में लॉस हो गई या मर भी गया ऐसा भी हो सकता है तो जो गवाह थे वो मर गए इसके बाद आप मुकदमे में जाते हैं तो आप अपने मामले को कैसे साबित करेंगे कोर्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा टू गेट द मैटर डिसाइडेड एंड टू डिलीवर जस्टिस टू दी पार्टी इसलिए आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जाता है इसलिए एविडेंस में ये बातें हैं कि आप उचित समय में जल्दी से जाएं और अपने मामले को निस्तारित करें नहीं तो एडवर्सरी लिटिगेशन में जजमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ये इसका इंपॉर्टेंस है लिमिटेशन अब इसके आप आप प्रस्तावना में अगर आप देखेंगे हम लोगों ने इतिहास देख लिया हम लोगों ने महत्व देख लिया अगर इसके प्रस्तावना में देखेंगे तो जो नाइनटीन का लिमिटेशन एक्ट है इसके प्रस्तावना में जब आप जाएंगे तो इसके प्रस्तावना को आप देखें इसमें दो बात है कंसोलिडेट एंड कंसोलिडेट एंड अमेंड यह कंसोलिडेट करने की बात करता है limitation लाको और amend करने की बात करता है। माने 1963 में जब हमने हमने कानून बनाया, तो हमारा था? से संबंधित जितने भी कानून बिखरे हुए हैं परिसीमा से संबंधित जितने कानून बिखरे हुए हैं उनको कंसोलिडेट कर लेना उनको कंपाइल कर लेना एक जगह पे ये इसका पहला प्रस्तावना है पहला उद्देश्य था और दूसरा उद्देश्य इसका था टू अमेंड समय समय पे इसको अमेंड करना क्योंकि कानून का ऐसा होना चाहिए कानून होना चाहिए की with the changing हो इसीलिए आपने देखा अमेंडमेंट अठारह या पंद्रह के जेम्स इंस्टीट्यूट से आप उठाएंगे और उन्नीस की आप जर्नी देखेंगे तो सारे अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं रिपील के थ्रू आए हैं इसका मतलब जैसे समाज बदलता गया कानून बदलता गया तो अमेंडमेंट इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें संशोधन भी समय, समय पहचानना तो और, और, और इसमें लिखना तो ये इसके दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव है ये इसके प्रस्तावना की बात करते हैं तो इतिहास प्रस्तावना और महत्व को हम लोगों ने देखा अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों ने धारा पांच को लिया है लिमिटेशन एक्ट की की धारा पांच जो काज की बात करता है लेकिन धारा पांच पे आने के पहले ये मेरा लेजिटमेट ड्यूटी है कि मैं आपको और कुछ धाराओं की बात बता दूं जैसे आप देखेंगे सबसे पहली धारा क्या है इसकी धारा एक इसकी धारा एक बोलती है सार कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट ध्यान दीजिए सार्ट टाइटल क्या है इसकी तो इस कानून को हम कहेंगे द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री यह इसकी सार टाइटल है द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री यह इसका सार टाइटल है दूसरा आप देखेंगे एक्सटेंट तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया ये दूसरा इसका एक्सटेंशन है पहले 2019 के पहले लिखा था कि ये पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लेकिन इसको खत्म कर दिया जो कर दिया गया धारा 370 के बाद और आज इसमें लिखा हुआ है कि नहीं इट इज साइल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया पूरे राज्य में पूरे भारत में लागू होगा और तीसरा लिखा हुआ है कि ये फोर्स में कब आएगा तो एक जनवरी उन्नीस से फोर्स में आएगा ये बना था उन्नीस में लेकिन ये फोर्स में आएगा एक जनवरी उन्नीस से एक साल के बाद

धारा दो डेफिनेशंस की बात करती है परिभाषाओं की बात करती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिनको हम लोगों को जानना ही चाहिए जो कई बार पूछता है जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज प्रामिजरी नोट ये निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 में भी किया गया है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रामिजरी नोट लिमिटेशन एक्ट में भी कई बार पूछता है तो आपका दिमाग नहीं जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रामिजरी नोट लिमिटेशन एक्ट में क्यों डिफाइन किया जाएगा लेकिन लिमिटेशन एक्ट में इसकी व्यवस्था है और यह डिफाइन किया गया है धारा दो में उसी तरीके से एजिमेंट सुखाधिकार इसके लिए एजिमेंट एक्ट है हमारे पास तो आपका दिमाग जाएगा लेकिन यहाँ में, ले में तरीके से, तो तो से आ गई तो लिमिटेशन के सेक्शन टू एम में देखेंगे तो टार्ट की डेफिनेशन है कि टार्ट की क्या डेफिनेशन है तो टार्ट अपकृत्य यहां पे डिफाइन किया गया है इसी तरीके से आप और भी डेफिनेशन की बात कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो थोड़ा ट्विस्टेड है मने वो सारी बातें जो आपको समझ आएगा कि शायद यहां पे नहीं होंगी वो सारी यहाँ पे डिफाइंड है टार्ट की बात देख लिया एजीमेंट की बात देख लिया प्रामिजरी नोट की बात देख लिया बिल ऑफ एक्सचेंज की बात देख लिया तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड है तो इसलिए धारा दो पे भी एक नजर हम लोगों को डालनी चाहिए कि जो इस तरीके की डिफिनेशन है वो धारा दो में भी दी गई अब धारा तीन में आते हैं थोड़ा सा धारा तीन ध्यान दीजिए धारा तीन क्या बोलता है धारा तीन ही एक जनरल रूल है पूरे लिमिटेशन में जनरल रूल और सारी धाराएं इसकी एक्सेप्शन है ध्यान दीजिए तो एक लिमिटेशन एक बड़ा अजूबा सा कानून है जिसमें जनरल रूल केवल एक ही सेक्शन में बताया गया है और इसके अलावा सारे इसके एक्सेप्शन है तो जनरल रूल धारा धारा में में है धारा तीन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सूट कोई भी अपील या कोई भी अप्लीकेशन अगर स्टूपुलेटेड पीरियड के बाद आता है कोर्ट में तो सेल भी डिसमिस्ड ध्यान दीजिए सेल भी डिसमिस धारा तीन में लिखा हुआ है ल बी डिसमिस्ड सेल निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा एनी सूट एनी अपील प्रोड्यूस बिफोर दर्ट ऑफ लॉ आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तो यह सूट अपील और अप्लीकेशन सेल भी डिसमिस निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा जैसे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है स्टेच्यूट का मैंडेट है आप इसको डिसमिस कर दीजिए हालांकि लिमिटेशन एज नॉट बीन सेटअप एज ए डिफेंस लिखा है उसमें अपोजिट पार्टी ने लिमिटेशन का डिफेंस नहीं लिया है तब भी डिसमिस कर दिया जाएगा क्योंकि आप समय के बाद आए हैं

तो चार से चौबीस तक इस धारा का एक्सेप्शन है इसका मतलब जनरल रूल केवल धारा तीन में दिया गया है और इसके सारे एक्सेप्शन चार से चौबीस तक गिनाए गए हैं तो चार से चौबीस पे हम नजर डालेंगे जिसमें टाइम बीत भी गई है फिर भी सूट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा हालांकि धारा तीन में क्या लिखा हुआ है कोई सूट कोई अपील कोई अप्लीकेशन पर निर्धारित समय के बाद नहीं आएगा और अगर आएगा तो सेल भी डिसमिस्ड चाहे डिफेंडेंट ने इसका डिफेंस लिया है चाहे नहीं लिया है लेकिन ये सेल भी डिसमिस्ड में हो जाएगा जब आप सेक्शन चार से चौबीस में जाएंगे जहां पे कोर्ट को वाइड डिस्क्रिप्सन दे दिया गया है कि अगर ऐसी बात है तो निर्धारित समय के बाद भी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये चार पाँच छः सात आठ नौ कहां तक जाएगा चौबीस तक जाएगा तो चार से चौबीस एक्सेप्शन है धारा तीन इसका साधारण नियम है तो सेक्शन चार पे आते हैं अब ध्यान दीजिए चार सेक्शन चार पहला एक्सेप्शन है क्या कह रहा है कह रहा है अगर लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन जो है वो ऐसे दिन पड़ता है जिस दिन कोर्ट क्लोज है जैसे मान लीजिए हमको कोई मुकदमा दाखिल करना था या कोई अपील दाखिल करनी थी अपील के लिए दस दिन का टाइम था और करते करते जो दसवां दिन था वो संडे पड़ गया तो जब नेक्स्ट डे कोर्ट रीओपन होगी वो हमारा लास्ट डे होगा माने मंडे हमारा लास्ट डे होगा क्योंकि संडे को कोर्ट क्लोज है और संडे हमारा लास्ट डेट था अब मान लीजिए जो लास्ट डेट था वहां से दिवाली की छुट्टी हो गई पांच दिन की तो जब छठवें दिन कोर्ट खुलेगी वो हमारा लास्ट डेट होगा पांच दिन से लिमिटेशन शांत हो जाएगा क्योंकि द लास्ट डे कोर्ट इज क्लोज और लास्ट डे के बाद कोर्ट इज क्लोज फॉर मंथ मान लीजिए एक महीने के लिए कोर्ट बंद हो गई तो एक महीने के बाद जो इकतीसवा दिन जब कोर्ट खुलेगी

पर्याप्त कारण बता देता है जो हम लोगों ने लिखा है पर्याप्त कारण बता देता है तो कोई बात नहीं है हालांकि लिमिटेशन खत्म हो गया है लेकिन पर्याप्त कारण के आधार पर उसके अपील एप्लीकेशन को कोर्ट एडमिट कर लेगी ठीक है ना तो पर्याप्त कारण ये बड़ा नोटोरियस फ्रेज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिसियंट कॉज डिस्क्रिशन ऑफ दी कोर्ट इन इंडिविजुअल कारण की कोई एक नहीं है डिसाइड का मतलब किया जाएगा फैक्ट और सिचुएशन के आधार पर अब ध्यान दीजिए कई ऐसे जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त कारण बताने का प्रयास किया है कई ऐसे जजमेंट है जैसे एक है कि कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस काटीजी ये बड़ा पुराना सा जजमेंट है और इस जजमेंट में कोर्ट ने बताया है कि जब पर्याप्त कारण की आप व्याख्या करेंगे धारा पांच में तो कोर्ट को दो बातों का ध्यान रखना है कोर्ट को ध्यान रखना है टेक्निकल कंसिडरेशन वर्सेज सब्सटेंशियल जस्टिस ध्यान दीजिए टेक्निकल कंसिडरेशन वर्सेज सब्सटेंशियल जस्टिस कोर्ट का यह कहना है कि आप हर मामले में ये ना माने कि पर्याप्त कारण नहीं है ये आप प्री कंसिप्ड नोशन लेकर के दिमाग में नहीं चलेंगे पर्याप्त कारण का हम फायदा नहीं देंगे या आप इतना लिबरल भी ना हो जाए कि हर मामले में पर्याप्त कारण का फायदा देने लगे तो दोनों का मिड पाथ आपको लेके जानना चलना है इसीलिए कोर्ट इसमें इसलिए टेक्निकल कंसिडरेशन वर्सेज सब्सटेंशियल जस्टिस अगर टेक्निकल कंसिडरेशन पे जाएंगे और हर मामले में पर्याप्त कारण पे उसको भगा देंगे तो सब्सटेंशियल जस्टिस नहीं होगा और हर पर्याप्त कारण में अगर उसको आप सब्सटेंशियल जस्टिस के नाम पे अंदर कर देंगे तो फिर ये परवच फेल हो जाएगा पूरे लिमिटेशन का तो इसलिए आपको मिड पाथ लेके चलना है सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस दी है अनंतनाग वर्सेस काटीजी में और सुप्रीम कोर्ट कहती है हर कोर्ट को जो भारत में लिमिटेशन लॉ को डील कर रहे हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पर्याप्त कारण कब और कैसे हर इंडिविजुअल केस में ये वैरी करेगा ये फैक्ट और सिचुएशन को देखते हुए पार्टी लिटिगेंट के परिस्थितियों को देखते हुए इसका निस्तारित किया जाएगा इसको तो इस तरीके से सारे पार्टी लिटिगेंट को इसको ध्यान में रखना है ये बात इसमें काटीजी में सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है अब कई बातें हैं इसमें के पर्याप्त कारण जैसे कई इंडिविजुअल केसेस हैं क्या इम्प्रिजनमेंट पर्याप्त कारण है क्या वो बीमार हो गया इलनेस पर्याप्त कारण है क्या वकील साहब का दूसरे कोर्ट में व्यस्त होना पर्याप्त कारण है तो कई चीजें हैं जिसमें कोर्ट किसी को पर्याप्त कारण मानती है किसी को जैसे मान लीजिए बीमार पड़ गया ऐसा वो बीमार था कि वो बेड रेस्ट पे था डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोल दिया था और वो वकील भी हायर नहीं कर सकता था ऐसा पोजीशन था सीवियर एक्सीडेंट हो गया था तो उस दशा में जब वो आएगा तभी काम करेगा तो ये पर्याप्त कारण है तो क्वेश्चन ये पर्याप्त कारण कब और कैसे ये डिपेंड करेगा फैक्ट और सिचुएशन के आधार पर उसके घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई कि वो उस स्टिपुलेटेड टाइम स्टेप नहीं ले सकता उसके बाद आता है ये पर्याप्त कारण है लेकिन केवल इसीलिए कि मैं वेट कर रहा था कि मैं लास्ट डेट में जाएगा और लास्ट डेट के दिन कुछ ऐसी बात हो गई तो कोर्ट कहेगी आपको तो तीन साल का समय था तो लास्ट डेट क्यों वेट कर रहे थे दो साल ढाई साल के अंदर ही क्यों नहीं आ गए ये पर्याप्त कारण नहीं भी हो सकता तो ये डिपेंड करेगा फैक्ट और सिचुएशन पर लेकिन से धारा पांच दूसरा एक्सेप्शन है जो रहा है कि धारा तीन में हालांकि लिखा हुआ है कोई सूट कोई अपील कोई अप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं आएगा लेकिन धारा पांच का पर्याप्त कारण है तो आएगा और पर्याप्त कारण क्या है मैंने आपको बता दिया ये पर्याप्त कारण है ठीक है ना तो धारा पांच दूसरा एक्सेप्शन है अब इसके बाद आ जाइए विधिक असक्षमता जिसको धारा छ से लेकर नौ तक हम लोग देखेंगे इसको बोलते हैं लीगल डिसेबिलिटी लीगल डिसेबिलिटी ध्यान दीजिए लीगल डिसेबिलिटी क्या है जैसे मान लीजिए ये तीसरा एक्सेप्शन है जिसमें ये बोल रहा है कि लीगल डिसेबिलिटी का मतलब जिस बंदे को मुकदमा दाखिल करना है वह या तो इनसेन है इनसेन है या वह माइनर है या वह इडियट है ध्यान दीजिए इडियट इनसेन या माइनर तो ये धारा छ में लिखा हुआ है इडियट इनसेन और माइनर इडियट इनसेन और माइनर

अब मान लीजिए इनसेन था अभी ठीक होना ही था तब तक वाली लीगल डिसेबिलिटी उसके अंदर आ गई तो फिर अब ये जब खत्म हो जाएगी तब वो फाइल करेगा तो क्वेश्चन ये है कि लीगल डिसेबिलिटी एक या एक से ज्यादा जब तक एग्जिस्ट करती रहेगी तब तक लिमिटेशन शांत रहेगा और जब पूरी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी वहां से उसका लिमिटेशन स्टार्ट होगा अब मान लीजिए धारा छ कहती है कि लीगल डिसेबिलिटी में रहते रहते ही वो मर जाता है पागल ही है या माइनर ही है तभी मर जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है

कितने समय तक कि अनंत काल तक रह सकती है अगर अनंत काल तक एक्जिस्ट करती है तब। लेकिन उसकी लीगल तो नहीं लिमिटेशन रुकेगा एक लीगल डिसेबिलिटी के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी एक साथ है ओवरलैपिंग है तब लेकिन अगर बीच में गैप हो गया तो सेक्शन नौ बोलता है सेक्शन नौ कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम लिमिटेशन स्टार्ट छह महीने तक वो ठीक था इसके बाद वो पागल होता है तो जैसे ही वो मेजर हुआ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया अब लिमिटेशन स्टार्ट हो गया तो अब नहीं रुकेगा अभी नहीं छह महीने के बाद वो फिर पागल हो गया तो कह लिमिटेशन स्टॉप हो जाए नहीं स्टॉप होगा अब ये चलता रहेगा धारा नौ में लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम तो लीगल डिसेबिलिटी का एक लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है एक के बाद एक एक के बाद एक जितने समय तक रहेगी तब तक लिमिटेशन शांत रहेगा लेकिन एज एज लीगल डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड एंड लिमिटेशन लिमिटेशन इट सेल स्टॉप सेक्शन इसमें लिखा हुआ तो लीगल डिसेबिलिटी ये दूसरा एक्सेप्शन है हालांकि धारा तीन में हम लोगों ने देखा कोई सूट कोई अपील कोई एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं आएगा लेकिन पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने धारा चार में देखा अगर लास्ट डे कोर्ट क्लोज है तो जब कोर्ट खुलेगी तब स्टार्ट होगा सेक्शन पांच में देखा अगर वो आता है लिमिटेशन के बाद और काज बताता है तो कोई बात नहीं है सफिशियंट काज अगर है तो फिर उसका मुकदमा चल पड़ेगा और सेक्शन छ सात आठ नौ बताता है कि अगर लीगल डिसेबिलिटी में है तो जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी वहां से वो अपना स्टेप लेगा और वहां से उसका लिमिटेशन स्टार्ट होगा तो ये हम लोगों ने देखा लीगल डिसेबिलिटी धारा छह सात आठ नौ अब आगे आइए नेक्स्ट स्लाइड में समय सीमा की गणना कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन लिमिटेशन धारा बारह से लेके सत्रह तक कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन अब इसको ध्यान में रखिए क्या है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन हम लिमिटेशन की गणना कैसे करेंगे इसको ध्यान में आप रखें इसमें कुछ फार्मूला बताया गया है कि कंप्यूट करेंगे तो आप कैसे करेंगे जैसे एक धारा को मैं लिख करके आपको बता रहा हूं सेक्शन बारह ध्यान दीजिए सेक्शन बारह पे आइए सेक्शन बारह क्या बोल रहा है सेक्शन बारह जिस दिन से लिमिटेशन रिकॉर्ड करना है जिस दिन से लिमिटेशन की गणना करनी है वह दिन छोड़ दिया जाएगा नेक्स्ट डे बी दी फर्स्ट डेट ध्यान दीजिए नेक्स्ट डे वुड बी फर्स्ट डे जैसे मान लीजिए हमारा सिविल राइट right आज प्रभावित हो गया तो मुझे अब सूट फाइल करना था तो आज को छोड़ दिया जाएगा कल पहला दिन होगा और हमारा जो लिमिटेशन गिना जाएगा वो कल से गिना जाएगा टुमारो वुड टूमारो फर्स्ट डे टुमारो वुड बी द फर्स्ट डे दीजिए ये बात है तो कल जो है वो पहला दिन होगा टुमारो वुड बी द फर्स्ट डे तो जिस दिन से लिमिटेशन की गणना करनी है वो दिन छोड़ दिया जाएगा ये पहला कैलकुलेशन का नियम है दूसरा अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ कोई जजमेंट पास हो गया कोर्ट का

अब उसके बाद हमारा लिमिटेशन काउंट किया जाएगा ये दस दिन उसमें नहीं आएगा द द टाइम टेकन टू रिसीव कॉपी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बी एक्सक्लूडेड इसका एक्सक्लूजन होगा तो ये गणना करने में ऐसे इसकी गणना करनी है ठीक है इसके बाद मान लीजिए कोई डिक्री हमारे खिलाफ पास हो गई है उस डिक्री से मैं अग्रीव हूं और डिक्री की मैं अपील करना चाहता हूं तो फिर इसमें रूल है कि डिक्री की कॉपी रिसीव करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उसी तरीके से अवार्ड की बात है अगर कोई आप, को आप पढ़े तो आपको दिखेगा अगर कोई आर्बिट्रल को सेट कराना है तो हमको अवार्ड की कापी लेनी पड़ेगी उसके डिफेक्ट को बताना पड़ेगा और तब सेटिस के लिए हम जाएंगे तो हम आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव करने में जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो ये धारा बारह में लिखा हुआ है डे ऑन विच लिमिटेशन स्टार्ट सेल बी एक्सक्लूडेड और दूसरा तीसरा चौथा जजमेंट की कापी रिसीव करने में डिक्री की अवार्ड की, कापी रिसीव करने में, की कापी रिसीव करने में, जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो एक्सक्लूजन के रूल है और अकॉर्डिंगली रिकाण्ड किया जाएगा लिमिटेशन तो यह था धारा बारह आगे देखें आप धारा तेरह सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन क्या बोलता है सेक्शन थर्टीन बोल रहा है पापर के मामले में पावर के मामले में ध्यान दीजिए पावर का मामला क्या है जैसे हम लोगों ने कल देखा था इंडिजेंट 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 पर्सन 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 जिसको पावर सूट 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 बोलते हैं आर्डर आर्डर करना है पहले हम अपने को पावर डिक्लेयर करेंगे डिक्लेयर करवाएंगे। वो डिक्लेयर करने में जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमको कोर्ट से डिक्लेयर कराना है कि मैं पर्सन हूं और तब हमारा सूट हम तो मान तो 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 लीजिए करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा धारा तेरह आगे आइए आप धारा चौदह सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन कहता है कि अगर आपको बोनाफाइड मिस्टेक है जो के मामले में बोनाफाइड मिस्टेक अबाउट जुरिस्टिक्शन अबाउट ज्यूरिस्डिक्शन बोनाफाइड मिस्टेक अबाउट जूरिस्डिक्शन अगर ज्यूरिस्डिक्शन के मामले में आपका बोनाफाइड मिस्टेक है जैसे मान लीजिए हमको मुकदमा दाखिल करना था मैं कोर्ट नंबर एक्स में गया कोर्ट नंबर एक्स ने हमारे मुकदमे को लिया और कोर्ट जब उसको देखने जाती है तब तो तक ये सब करने में पांच छह महीना लग गया और जब कोर्ट उसको देखती है तो कहती है अरे ये तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट आपको दूसरे कोर्ट में जाना चाहिए तो कोर्ट हमको आज बताती है कहती है नहीं भाई आपका मुकदमा हमारे कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने लायक नहीं है तो इसको आप कोर्ट नंबर वाई में लेके जाइए तो इसमें छह महीना लग गया अब ये छह महीना एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि मैं बोनाफाइड मिस्टेक में था रिगार्डिंग जोरिस्टिक कोर्ट

एक्सक्लूजन है कुछ मामले में एक्सक्लूजन जैसे नोटिस ध्यान दीजिए नोटिस आप देखेंगे जब सिविल सूट हमको फाइल करना है मान लीजिए सरकार के खिलाफ हमको मुकदमा दाखिल करना है धारा तो उसमें एक नोटिस की व्यवस्था है हम सरकार के खिलाफ सीधे नहीं मुकदमा दाखिल कर सकते है. हमको पहले क्या करना पड़ेगा हमको पहले नोटिस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को और नोटिस जब हम देंगे दो महीना पहले हमको नोटिस देनी पड़ेगी और परमिशन जब उधर से आ जाएगा तब हम सूट फाइल कर सकते हैं अब मान लीजिए दो महीना पहले हमने नोटिस दिया और सेंक्शन रिसीव करने में नोटिस के बाद जवाब आने में टाइम लग गया तो वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ये दो महीना का ही जो टाइम है स्टेच्यूटरी पीरियड है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन को काउंट करने में तो ये बात है या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है एग्जीक्यूशन अगर स्टे कर दिया है हाईकोर्ट ने मान लीजिए हाईकोर्ट कहती है कि इस मामले का एग्जीक्यूशन एक साल तक नहीं होगा तो एक साल तक लिमिटेशन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं चलेगा एक साल के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यह धारा पंद्रह में सब बातें लिखी हुई है है एग्जीक्यूशन स्टे हो गया तो है, तो नोटिस एक्सक्लूजन इसका ठीक है ना धारा पंद्रह आगे देखिए आप धारा सत्रह सोलह को मैं छोड़ देता हूं जानबूझ करके धारा सत्रह आइए धारा सत्रह क्या बोलता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक ध्यान दीजिए फ्रॉड और मिस्टेक फ्रॉड है या मिस्टेक है जैसे मान लीजिए हमारा राइट है कि नहीं है मुकदमा दाखिल करने का या अपील फाइल करने का इसके मामले में फ्रॉड कमिट कर दिया अपोजिट पार्टी ने चीजों को कंसील कर दिया जिससे मैं समझ ही नहीं पाया कि हमारा राइट प्रभावित हुआ है या हमको अपील फाइल करनी चाहिए या सूट फाइल करना चाहिए या कोई मिस्टेक क्रिएट कर दिया मिस्टेक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया हमारे दिमाग में जिससे अंडर मिस्टेक सिचुएशन कि मुझे सूट फाइल करना चाहिए अपील फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ये कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक मिस्टेक क्रिएट करना बाई दी अपोजिट पार्टी ये एक्सक्लूजन है इसका क्योंकि अपोजिट पार्टी इसका फायदा ले लेगा वो हमको गफलत में डाल दिया मैं मुकदमा भी नहीं दाखिल किया और लिमिटेशन बीत जाएगा तो, 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 इस इस तो इसलिए ये भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ये धारा सत्रह में लिखा हुआ है तो ये सारे एक्सक्लूजन के रूल है बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो ये एक स्लाइड थी जिसमें समय सीमा की गणना कैसे करी जाएगी अब अगले स्लाइड पे हम आते हैं अगला स्लाइड बोलता है अभिस्वीकृति तथा संदाय धारा अठारह और धारा उन्नीस अभिस्वीकृति को हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट और ये धारा 18 में है सेक्शन एटीन और दूसरा है पेमेंट पेमेंट ये है धारा सेक्शन उन्नीस तो सेक्शन 19 और सेक्शन 18 एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट यही है पेमेंट और एक्नॉलेजमेंट ये धारा 18 और ये धारा 19 ये धारा 18 और ये धारा 19 सी है एक्नॉलेजमेंट एंड पेमेंट ध्यान दीजिए अब एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट क्या है ये एक ऐसी बात है जैसे हमने एक्नॉलेज कर लिया किसी चीज को तो लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगा जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के रूप में आपको बताऊं हमने किसी को सौ रुपया दिया था और उससे मुझे सौ रुपया लेना है मैंने सौ रुपया दिया था तो हमारे उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो कहता है मैं इसको महीने में लौटा दूंगा तीन महीना बीत गया उन्होंने लौटाया तो मैं उसे अप्रोच करता हूं मैं कहता हूं भाई तुमने मुझसे पैसा लिया था मेरा पैसा वापस कर दो वो कहता है अच्छा कर देंगे हम पैसा आपका वापस कर देंगे लेकिन तीन साल तक मान लीजिए इसमें समय था जिसमें हम सूट फाइल कर सकते हैं और वो बार बार यही कहता है कि हम एक्सेप्ट हम दे देंगे हम दे देंगे और हमने मुकदमा नहीं दाखिल किया

इसका एक्नोलेजमेंट दो साल ग्यारह महीने में है दो साल ग्यारह महीने कुछ दिन में है लेकिन तीन साल के बाद नहीं है तीन साल के बाद अगर वो भी करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है एक्नॉलेजमेंट से लिमिटेशन आगे बढ़ेगा कब जब एक्नॉलेजमेंट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन है और एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में है और साइंड में है वो राइटिंग लिख देता है उस पर साइन कर देता है कहता है मैंने आपका सौ रुपया लिया था मैं वापस कर दूंगा राइट खत्म नहीं होगा हम फिर से राइट हमारा तीन साल के लिए बढ़ गया अब मान लीजिए फिर वो नहीं दे पाता है मैं उसके पास जाता हूँ वो कहता है कि अभी तुम्हारे तो पास पैसा नहीं है मैं कहता हूं एक्नॉलेज कर दो तो फिर अगले तीन साल बीतते बीतने के पहले ही फिर वो एक्नॉलेज कर देता है कहता है ठीक है हम आपको दे देंगे

एक्नॉलेजमेंट किसी थर्ड व्यक्ति से भी हो सकता है एक्नॉलेजमेंट रिफ्यूजल टू पे भी हो सकता है जैसे मान लीजिए वो लिख देता है और लिख करके कहता है मैंने तुम्हारा सौ रुपया लिया है नहीं दूंगा और लिख करके वो साइन कर देता है ये भी एक्नॉलेजमेंट है क्योंकि इतना तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ना उसने लिया है तो वहां से तीन साल तक फिर आपके पास राइट है आप उसके रिकवरी के लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हैं या उसने हमसे तो नहीं एक्नॉलेज किया हमारे किसी जानने वाले से या किसी स्ट्रेंजर से एक्नॉलेज कर लेता है कि हमने उनका सौ रुपया लिया है लेकिन अभी मैं दे नहीं पाया हूँ मैं दूंगा और ये राइटिंग साइंड में है तो फिर वो भी डॉक्यूमेंट को मैं एक्नॉलेजमेंट मानूंगा और उसके आधार में हमारा लिमिटेशन जिस दिन और राइटिंग और साइन किया है वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट किसी भी तरीके से एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स रिफ्यूजल टू पे एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स टू स्ट्रेंजर कोई जरूर नहीं कि आप हमसे ही एक्नॉलेज करेंगे तो ये ऑफ एक्नॉलेजमेंट इसको बोलते हैं अभिस्वीकृति के द्वारा लिमिटेशन का बढ़ाया जाना परिसीमा का बढ़ाया जाना लेकिन इसकी कंडीशन बस इतनी है कि यह लिमिटेशन के दौरान अभिस्वीकृति होनी चाहिए राइटिंग में होनी चाहिए साइंड वाई पार्टी होनी चाहिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तब अभिस्वीकृति से लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगा ठीक है तो ये था एक्नोलेजमेंट दूसरा है पेमेंट धारा उन्नीस पेमेंट भी थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ा दीजिए वो हमसे सौ रुपया लिया है और सौ रुपए में से एक रुपया वो पे कर देता है लेकिन कब ये जब पे करता है विद इन द लिमिटेशन जिस दिन वो पे करेगा वहां से फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारे फेवर में हो जाएगा और मैं उसके लिए मुकदमा फिर इतने समय में कभी भी कर सकता हूं तो क्वेश्चन ये है कि पेमेंट भी विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड होना चाहिए

संदाय इसके अलावा कुछ और थोड़े कॉन्सेप्ट हैं इसमें जिन कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें एक कॉन्सेप्ट है इसमें धारा इक्कीस में धारा धारा में है कि इफेक्ट ऑफ और एडिंग न्यू प्लेंटिव आर डिफेंडेंट ध्यान दीजिए न्यू प्लेंटिव या न्यू डिफेंडेंट को जोड़ा जाना न्यू प्लेंटिव या न्यू डिफेंडेंट को जोड़ा जाना तो जिस दिन से कोई बंदा न्यू प्लेंटिव या न्यू डिफेंडेंट जोड़ा जाएगा

ध्यान continuing continuing. दीजिए तो जो कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंटिन्यूंग ब्रीच ऑफ टार्ट है इसके लिए हर मोमेंट न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है क्योंकि ब्रीच हो रहा है ना टार्ट कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है ना तो इसके लिए हर क्षण लिमिटेशन नया नया स्टार्ट होता जाएगा क्योंकि आप इसको बार बार कंटिन्यूसली ब्रीच कर रहे हैं ठीक है ना तो ये है धारा बाईस इसके बाद है हमारे पास धारा तेईस धारा तेईस धारा कर रहा है कि अगर विदाउट स्पेशल डैमेज स्पेशल डैमेज के बिना अगर आप मुकदमा नहीं दाखिल कर सकते तो आपका लिमिटेशन तब स्टार्ट होगा जब स्पेशल डैमेज आपको होगा क्योंकि इसमें कंडीशन ही है कि बिना स्पेशल डैमेज हुए आपका लिमिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगा तो जब आपका ये कंडीशन प्रेसिडेंट है तो आपका स्पेशल डैमेज जब होगा वहां से आपका लिमिटेशन स्टार्ट होगा ये धारा तेईस है और धारा चौबीस कह रहा है सेक्शन चौबीस कि इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाएगा कैलेंडर तो इसमें ग्रेगोरियन जो इंग्लिश कैलेंडर है ना लिमिटेशन जब भी हम काउंट करेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके इसके टाइम और डेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा न कि हिंदी महीने से या हिजरी से डिसाइड किया जाएगा नहीं ये इससे ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही कैलकुलेट किया जाएगा ये धारा चौबीस में लिखा हुआ तो ये सारा हम लोगों ने मिसलेनियस सेक्शन इसमें देखा अब एक और पार्ट है इसमें एक जो पार्ट है वो कहता है प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन एडवर्स पजेशन एडवर्स पजेशन ध्यान दीजिए प्रिस्क्रिप्शन और एडवर्स पजेशन ये एक ऐसी चीज है एडवर्स पजेशन के आधार पे आप क्लेम कर सकते हैं अपने राइट को जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी एक की है और उस प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे ने कब्जा जमाया हुआ है और विदाउट एनी हिंड्रेंस किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है और वो कब्जा जमाया हुआ है तो कितने समय के बाद तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर वह ट्वेंटी कोई भी उसमें एलिगेशन नहीं हुआ इसको डिस्टर्ब नहीं किया और बीस साल तक लगातार यह अपने फ्री राइट को एक्सरसाइज करते आ रहा है तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ट्वेंटी इयर्स प्रिस्क्रिप्टरी राइट इसको मिल जाएगा इजिमेंटरी राइट इसको मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि लिमिटेशन इसमें 20 साल का है तो ये है प्रिस्क्रिप्शन का राइट right और गवर्नमेंट लैंड है तो उसके लिए थर्टी है तो अगर ईयर ईयर और 30 year, अगर इतने दिन तक आप लगातार कब्जा जमाए हुए हैं तो आप इसको एज ए प्रिस्क्रिप्टरी राइट्री राइट क्लेम कर सकते हैं लिमिटेशन इसमें इतने दिन का है और सूट फाइल करने के लिए दो साल का है तो ये हमारे पास सेक्शन है आगे वाले सेक्शन जिसमें ये बात की गई तो इस तरीके से हम लोगों ने लिमिटेशन के सारे सेक्शन को देख लिया कि लिमिटेशन का महत्व तो क्या है इसकी प्रस्तावना क्या है उसका उद्देश्य क्या है और लिमिटेशन का जनरल रूल क्या है जो सेक्शन थ्री में देखा और इसके सारे एक्सेप्शन को भी देख लिया और फंडामेंटल प्रिस्क्रिप्शन और एजमेंट को भी देख लिया अब इसमें एक चीज हम लोगों को यह जानना है इंपॉर्टेंट कि लिमिटेशन right. जो है परिसीमा जो है यह बार्ड द रेमेडी यह उपचार को बाधित करता है यह अधिकार को बाधित नहीं करता

तो क्या जब कोर्ट रीओपन होती है या क्या है आप जब काज सफिसियंट या क्या जब आपका लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाता तो क्या आप मुकदमा दाखिल कर पाते नहीं दाखिल कर पाते क्योंकि आपका अधिकार ही खत्म हो जाता तो अधिकार नहीं खत्म हुआ है लिमिटेशन किस चीज को बार किया है केवल उपचार को बार किया है अधिकार को नहीं बार किया है इसलिए लिमिटेशन बीतने के बाद भी आपको उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि अधिकार आपका जिंदा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताना होगा तो आपको सारे सेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जनरली सेक्शन थ्री कहता है कि राइट नहीं, ले मतलब right नहीं बार हुआ था धारा तीन में केवल रेमेडी बार हुई थी उपचार बार हुआ था अधिकार आपका जिंदा था तो लिमिटेशन द रेमेडी बट नॉट राइट ये जनरल रूल है इसका एक एक्सेप्शन है लिमिटेशन एक्ट में वो है धारा सत्ताइस धारा ट्वेंटी सेवन

तो जब आप इस बात को देखें कि लिमिटेशन एक्ट उपचार को बाधित करता है अधिकार को नहीं तो धारा तीन धारा चार से चौबीस इसको आप सपोर्ट करेंगे और एक्सेप्शन में आप लिखेंगे धारा इसका एक्सेप्शन है है जो कहता लिमिटेशन लिमिटेशन बार्स द राइट राइट एज वेल तो कभी कभी लिमिटेशन राइट को भी बार करता है जो धारा सत्ताइस में बढ़ रही है तो इस तरीके से हम लोगों ने लिमिटेशन एक्ट को देखा तो एक बार मैं आपको रिफ्रेश करा दू हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने इसमें देखते देखते हम लोग शुरू किए थे इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से

लेकिन अट्ठारह के चार्टर आने के बाद लिमिटेशन शुरू हुआ और यह करते 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 उन्नीस तक आया जो भारत में स्वतंत्रता के बाद भी लागू था और इसके बाद जब इंडियन पार्लियामेंट आई और भारत का संविधान बना तो उन्नीस में हमने एक नया कानून बनाया भारत की संसद ने बनाया जिसको हम भारतीय परिसीमा अधिनियम के नाम से जानते हैं उन्नीस तो ये इसका हम लोगों ने देखा इसके ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा प्रस्तावना में देखा इसके दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव है एक है कंसोलिडेट और दूसरा है अमेंट मैंने लिमिटेशन चूंकि बिखरा हुआ था चूंकि लिमिटेशन कानून नहीं था यह कहीं कुछ था कहीं कुछ था तो इसको कंसोलिडेट करना पाला इसका ऑब्जेक्टिव था था और दूसरा टू अमेंड समय समय पे इसमें परिवर्तन भी होना चाहिए क्योंकि लॉ जो है होता है डायनेमिक होता तो लॉ डायने क्यों होना चाहिए क्योंकि समाज बदलता है कानून को भी बदलना चाहिए आप सेविनी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल में सेविनी कहता है हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ शुड ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ नेशन विधि समाज के साथ विकसित होनी चाहिए विधि अगर समाज मजबूत है तो विधि को मजबूत होना चाहिए और समाज अगर मर जाए तो विधि को भी खत्म हो जाना चाहिए कहने का मतलब कानून को समाज के साथ कदम ताल मिला के चलना चाहिए नहीं तो अगर समाज के साथ नहीं चलेगा तो कानून फेल कर जाएगा तो इसलिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी है जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को आप देखेंगे दहेज प्रतिषेद अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे तो क्या दहेज रुका दहेज का लेना देना नहीं रुका हालांकि इसमें बहुत कड़ा कानून है हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये कानून समाज के साथ नहीं चल रहा है समाज के कंसाइंस को इसके मैनिफेस्टेशन को ध्यान में नहीं रखना है समाज के अभिव्यक्ति को ध्यान में नहीं रख रहा है समाज कुछ कर रहा है कानून कुछ कर रहा है तो नहीं चलेगा समाज तो समाज में कानून को समाज के साथ चलना पड़ेगा ये इसका तो इसलिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी है तो ऑब्जेक्टिव में जो हम लोगों ने देखा अमेंडमेंट अमेंडमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है ये हम लोग इसके बाद हम लोगों ने धारा तीन में जनरल रूल देखा जनरल रूल में है कि कोई सूट कोई अपील कोई अप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद नहीं आएगा और अगर आएगा तो यह निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा चाहे अपोजिट पार्टी ने इसका डिफेंस लिमिटेशन का लिया है चाहे नहीं लिया ये धारा में लिखा हुआ है लेकिन धारा तीन धारा चार से लेकर चौबीस तक इसका एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन को हम लोगों ने देखा धारा चार में देखा जब कोर्ट रीओपन होती है जिस दिन court, जिस दिन दिन कोर्ट लास्ट पीरियड लिमिटेशन है उस दिन कोर्ट क्लोज है तो जब रीओपन होगी उस दिन लिमिटेशन माना जाएगा इसी तरीके से धारा पांच में हम लोगों ने देखा कोई अपील और कोई अप्लीकेशन एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन एक्सिक्यूशन अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाद आता है और वो सफिसियंट काज बताता है

धारा बारह से लेकर सत्रह तक का लिमिटेशन काउंट करने का तरीका क्या है तो उसमें हम लोगों ने देखा जिस दिन लिमिटेशन स्टार्ट जिस दिन काज एक्शन राइज होगा उस दिन को छोड़ दिया जाएगा नेक्स्ट डे फर्स्ट डे होगा यह पहला रूल है दूसरा यह कर है कि भाई जजमेंट आर्डर डिक्री की कॉपी लेने में अवार्ड की कॉपी लेने में जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आगे बोलता है कि अगर नोटिस आपने दिया है तो नोटिस को रिसीव करने में जितना टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आगे बोलता है कि अगर भाई दबे आपको बोनाफाइड मिस्टेक है रिगार्डिंग जोरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फिर लिखा हुआ है फ्रॉड और मिस्टेक कमिट कर दिया पार्टी ने एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो कैलकुलेशन करने में एक्सक्लूजन के सारे रूल हैं ये हम लोगों ने देखा आगे हम लोगों ने देखा एक्नॉलेजमेंट एंड पेमेंट एक्नॉलेजमेंट अगर एक्नॉलेज कर लिया जिस दिन एक्नॉलेज करेगा वहां से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा लेकिन एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए राइटिंग और साइंड होना चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम होना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट का तरीका कैसे भी हो सकता है रिफ्यूजल टू पे भी हो सकता है स्ट्रेंजर से भी हो सकता है और वही चीज़ पेमेंट भी है अगर पेमेंट कर दिया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा लेकिन वो पेमेंट कब होना चाहिए विद इन स्टोपुलेटेड पीरियड होना चाहिए ये हम लोगों ने देखा और आगे कुछ छोटे छोटे रूल हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि नया प्लेटिविव नया डिपेंडेंट जोड़ा जाएगा जिस दिन से वो जोड़ा जाएगा उस दिन से उसके लिए लिमिटेशन स्टार्ट होगा और हम लोग ने देखा सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किए जाएंगे इसमें और कोई कैलेंडर नहीं चलेगा तो ये सारी कुछ हम लोगों ने देखा फिर प्रिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन को भी और एजमेंट को भी देखा तो इस तरीके से पूरी लिमिटेशन को हम लोगों ने एक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आपको यह विषय समझ में आया होगा तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को धन्यवाद नमस्कार many a times we all think who am i why am i doing whatever i am doing why do i feel attracted towards others why do i feel very aggressive in certain instances why certain people or certain type of acts they repel me why is it that i always search for certain things which look very very ambiguous these are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather, which also uh, no, tells you what is not visible at all, what, what goes within. Okay? And this is the subject knowledge, what is called as psychology. It is not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond, not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards? and why is it that many a times in certain type of situations you feel you should completely go out of it you should not get any way involved into it the repulsion why is it that certain acts although you do not appreciate still you get involved into it then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences shame guilt pleasure appreciation you see world in a particular way you analyze it in a particular way you derive emotion out of it feeling out of it and the mix of what you perceived along with what you experience it makes you act in a particular way respond in a particular way your response is received by somebody else and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously, the situation remains constant, and different people interact at the same time. You realize that your identity gets lost. You are not an individual, you act what is called as group behavior. You realize that you do not have an explanation for. Either, either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person you later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual you realize that you repeat certain form of behavior why you do not know people tell you that such type of repetitions are not normal human beings largely do not do that and then you realize that okay this is a particular pattern of a behavior for which i require the help of a specialist the specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy a particular nomenclature which is either some aberration in the normal behavior it is a neurotic form of a behavior psychotic form of a behavior it could be a psychosomatic response and psychology it covers all of this so, if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.